कर रहे हो? अरे कमाल करे छे यार, घर पे मैं तुमको मिलने को नहीं आऊं, घर से बाहर तुम मुझको मिलने नहीं आओगी। इश्क में सब इंस्पेक्टर की जान लोगी? आहा वाह वाह क्या बात है। अब ये सब छोड़ो और जल्दी बोलो क्या बोलने आए हो। अरे बोलने के लिए नहीं आया, कुछ देने के लिए आया। तोहफा मेरे लिए? जरा प्यार से खोलना, गिफ्ट नहीं है, प्यार है मेरा। बस अटली स्माइल। अरे मैं तो यहाँ पर आया था एक बहुत बड़ी खूबसूरत स्माइल देखने के लिए। बहुत अच्छी है। जय हो दरियालाल दादा। बस यही स्माइल देखने के लिए कल शहर गया, दुकान दुकान घूमा तुम्हारे लिए। सुनो, इस घड़ी में ना शाम के 6:30 भी बजते हैं। पता है ना? तो बस जैसे ही 6:30 बजे मुझे मिलने के लिए आ जाया करो, और मैं भी चौकी छोड़कर फटाफट तुमसे मिलने आ जाया करूंगा। और घड़ी की टिक टिक सुनते रहना। चालू है। मेरी धड़कन भी तुम्हारे लिए ऐसे ही टिक टिक करती है। इतना प्यार करते हो मुझसे? इतना नहीं, इससे बहुत बहुत ज्यादा। कुमारी मैं जानता हूं, सबसे ज्यादा खुशी तुमको उस दिन मिलेगी जब मैं तुम्हारे बापू को तुम्हारे लिए ढूंढ लूंगा। एक बात बता दूं, उस दिन का तुमसे ज्यादा इंतजार मुझको है। थैंक यू। अरे प्रेम मा नो थैंक यू एंड नो सॉरी, कहीं सॉरी पढ़ना हो है? तो 6:30 बजे पक्का ना, वो जो खेत के पास कच्ची सड़क है वहां पर मैं तुम्हारा इंतजार करूं। नहीं उमेश, मैं नहीं आ सकती, मुझे बहुत डर लगता है, मामा भी उसी रास्ते से आते जाते रहते। अरे उन्होंने देख लिया तो? कुमुद दीदी ने उनसे बात छुपाई थी, 2 दिन तक वो उनसे बात नहीं कर रहे थे। मेरे साथ तो पता नहीं ये सब मिलके क्या करेंगे। चलो अब मुझे जाना है, मामा ने अपनी घड़ी में टाइम लगा के रखा है और मुझे उससे पहले पहुंचना है। बाय। जय हो दरियालाल दादानी। टाइमिंग खराब छे तमारो, चलो ड्यूटी पर। तुम्हें डेट पे लेके जाना। डेट पे लेके जा रहा हूं कुमार, हमारी पहली डेट। अगर क्या लेके जाऊं उसके लिए? ये सच है या सपना? उस रात सपने में आए थे, आज सच में आए। मुझे डेट पर ले जाए। सनी, जस्ट वेट स्वीटहार्ट, BRB। तू भी ना, आयशा मुझे बताने वाली थी ब्रेकअप कैसे हुआ उसका। सॉरी यार, मगर चल कोई नहीं। क्या हुआ? मैं पूछना चाहता था कि पहली डेट पर क्या करते हैं? I mean, कुछ खास? कुछ नहीं नहीं नहीं, गो बैक। क्या कहा तूने? डेट? ये मेरी पहली डेट है, पर देखो तो धूप से मेरा चेहरा कितना काला पड़ गया। बड़ी माँ रोज कहाँ करती थी,
की उपटन लगा ले, पर नहीं, काश मैंने उसकी बात सुन ली होती। तुम बाल ठीक से बांध क्यों नहीं लेते? बार बार चेहरे पे आ जाते हैं। तुम्हें तो मेरे बंधे हुए बाल पसंद है ना, तो बाल तो मैं बांध कर जाऊंगी। पर घाघरा कौन सा पहनूं? कौन सा पहनूं? ये पहनूं? शादी में थोड़ी जा रही हूं, ये पहनोगी तो हंसोगे ना तुम मुझ पर? नहीं, ये नहीं। ये कैसा लग रहा है? ये भी नहीं खेल रहा है। ये कैसा लग रहा है? मेरे पास कोई अच्छा घाघरा ही नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या पहनूं? पता ना, फर्स्ट डेट पे क्या गिफ्ट दिया था तूने? फर्स्ट डेट? वाओ, हाँ, शिरीन, शी वाज, नहीं, परी, वन सेकंड, नीलम थी क्या? यार पहली वाली कौन सी थी? मुझे याद ही नहीं है डूड। कैसे याद होगा? हाई स्कूल खत्म होने से पहले डेटिंग जो शुरू कर दी थी आपने, तो कैसे याद होने वाला है? देख, मुझे ये बता कि आखिरी डेट पे क्या किया था तूने? वो आखिरी डेट, इट वाज अमेजिंग। बहुत ही स्पेशल डिनर किया था हम लोगों ने। अच्छा, और फिर? चिकन मुगलाई खाया था, बहुत ही टेस्टी था। आगे बताना। और फिर स्मोकिंग जोन का बहाना बना के भाग गया। क्यों? और क्या करता डूड, ब्लाइंड डेट थी ना, सिर्फ फोन पे बात हुई थी। जब उसे देखा तो सबसे पहले यही सोचा, मोटी पे खर्चा कौन करेगा। गिव मी फाइव। मैं सीरियसली कुछ पूछ रहा हूँ, तू मजाक कर रहा है यार? क्यों, तू सीरियसली क्यों पूछ रहा है? वो अपनी जनरल नॉलेज के लिए, यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। जनरल नॉलेज, वेरी गुड वेरी गुड। तो मतलब बात डेट तक पहुंच गई? कौन, किसकी डेट की बात कर रहा है? मेरी और कुमुद की। कम ऑन यार, अकेले में हंसते हुए तुझे पहली बार देखा है। रतन नगरी की ही हवा है। क्या तू हवा पानी छोड़, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। सब पूछ। सॉरी सरस, कुमुद से प्यार की ये पहली मुलाकात कैंसिल करनी पड़ेगी तुम्हें। बिना बताए तो नहीं जाऊंगी, पर क्या बताऊं? कुमुद, माँ, माँ वो, माँ पीछे पीछे क्यों घूम रही है? कुछ चाहिए तो बोल। नहीं, वो मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है, सुन, डब्बा लेकर जाना। नहीं, डब्बा नहीं चाहिए, मैं घर आकर खा लूं। आज कुछ खास तैयारी लग रही है, कहाँ जा रही हो? नहीं तो कुछ खास नहीं, मैं स्कूल जा रही हूँ। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल बंद होगा ना? वो मैं छुट्टियां बच्चों को मिलती है, बड़ों का काम कभी खत्म नहीं होता।
हमारी कुमुद स्कूल जाके सिर्फ पढ़ाती नहीं है, पढ़ाई के अलावा बच्चों को नई नई चीज भी सिखाती है, जिसके लिए उसे अभी से तैयारी करनी पड़ती है। जा कुमुद और जल्दी करने की कोशिश मत करना, सारा काम निपटा के आना। जा। तुम रसोई में क्यों आई थी? जिस काम के लिए आई थी वो तो हुआ नहीं और होगा भी। चाय बना दूं? नो थैंक्स। यश, यश, यश मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ आदत, इतना चिल्ला क्यों रही है? चिल्ला कर रही हूँ, धीरे तो बोल रही हूँ कि मैं स्कूल जा रही हूँ। बाय।